तो ये है यहाँ पर पानी का, बालों का हाल, लेकिन हो गया है तो फोटोज लेने में मजा आएगा। और अभी अपर लिप्स बचे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करके करूंगी। इसमें मैं रोल कर ले रही हूँ, अच्छे से 4-5 रोल करने के बाद ये करके फिर पुल करती है ऐसे। इसको ट्विस्ट किया, इसको एकदम ट्विस्ट किया, क्योंकि मैं ऐसे जुगाड़ वाला लगाती हूँ। मैं ही चल रही हूँ तो इतनी खुश, इतनी खुश। रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ ये धागा लेकर। अभी चेहरा भी थोड़ा खिला खिला हो गया है एकदम। यहाँ पे ऐसा होता है, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यार अपना बालों का ध्यान रखना। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। आज सवेरे को 8:30 बजे मैंने छोड़ दिया है स्कूल, और आज भी मैं टाइम पर पहुंचाने में एकदम कामयाब हो गई हूँ। और सवेरे को आज मौसम भी बहुत अच्छा है, टेम्परेचर है 8, लेकिन ठंडा इतना फील नहीं हो रहा है, फील्स लाइक 4 है। बट मेरा इस वाले ट्रैक सूट में भी काम चल जा रहा है, क्योंकि उतनी हवा नहीं चल रही है। अभी घर जाना है और सबसे पहले अपना बालों वाला काम करूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जिम से आने के बाद करूँ, क्योंकि अगर मैंने लगा लिया अभी तो फिर मैं जिम तो जा नहीं पाऊँगी इस ऐसी मेहंदी वाले बालों से। तो इसीलिए सोचा है कि आने के बाद 11 बजे मतलब 12 बजे तक मैं आ जाऊँगी, फिर मैं लगा लूँगी 2:30-3 बजे तक, फिर मैं उसके बाद नहा लूँगी। तो अभी बस घर पर पहुँचना है। नाश्ता रेडी हो गया था, आज मैंने बनाए थे चीले बेसन वाले, सदी को लंच में भी मैंने वही दिया है। और देखो पीछे, ये देखो पेड़, इसकी पत्तियाँ आ रही हैं, ये देखो हल्की हल्की सी, हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन लाइट ग्रीन, इस सारे के सारे ट्रीज पे ना हल्के हल्के पत्तियाँ आने लग रही हैं एकदम। वाओ वाओ वाओ, हर दिन का नज़ारा मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ, एक एक पत्तियाँ निकलेंगी तो आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पे पीछे घास काटी जा रही है उधर, इसलिए आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत। हाँ, आज काम लगा हुआ है, पार्क में 2-3 मशीनें लगी हुई है, तो वो क्लीन कर रही हैं घास को, तो सुंदर हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ घर, थोड़ा सा बारिश हो गई है तो बेंच पे नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि कल रात थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, पूरी घास गीली है, ये पूरा रास्ता रास्ता भी देखिए आप गीला है। तो सोच रही हूँ कि पहले मैं सोच रही थी थोड़ा एक राउंड लगा लूँगी, फिर सोचा जिम तो जाना ही है, क्या फ़ायदा, घर चलते हैं। तो अभी घर जाऊँगी, उसके बाद आज तो मेरा जो सोचा है थोड़ा सा अपने आप को तामझाम चमकाना है, चेहरे को थोड़ा सा चमकाना है, बस वही सारा काम करना है मुझे, बाकी तो चल रहा है। कल तो हम जाएंगे चेरी ब्लॉसम देखने के लिए। आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी अच्छी इसी तरीके की कैनेडा की वीडियोज़ देखने के लिए। और आज तो जैसे मेरे को ऐसे फील आ रहा है जैसे कि पूरा पार्लर घर पर आ जाएगा, क्योंकि मैं आज अपनी आईब्रो भी करने वाली हूँ, अपर लिप्स करने वाली हूँ, थोड़ा सा फेस क्लीन करने वाली हूँ, और अपने बालों को भी सुधारने वाली हूँ। तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूटी पार्लर घर आ गया। क्योंकि सारे काम खुद से करने पड़ेंगे, पार्लर में जाओ तो वही $40-50 ऐसे ही लग जाएगा अगर मैं सब कराऊँ तो। किसी दिन जाऊँगी और यहाँ के पार्लर्स के रेट आप लोग को बताऊँगी, और दिखाऊँगी भी कि क्या क्या होता है उसमें। अभी टाइम हो चुका है जिम जाने का, 11 बज चुका है, नाश्ता बन गया था मेरा, और अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, सिर्फ 9% चार्ज है, तो इसलिए मैं चार्जिंग पर लगा के तब छोड़ के जाऊँगी, और मैं जा रही हूँ फिर, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी 45 मिनट की मैंने एक्सरसाइज करी है और मैं ऊपर आई हूँ, हालत खस्ता हो गई, मैंने एकदम ऐसे बाजू वाजू भी अभी अकड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर लेट जाऊँ, लेकिन मैं लेटूंगी नहीं, क्योंकि अगर लेट गई तो फिर से कल के जैसे हो जाएगा, फिर मैं दिमाग से निकल जाएगा और मैं ये सब बाल बाल नहीं कर पाऊँगी। तो अभी मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, और मैं एकदम देसी तरीके से लगाती हूँ, कोई ब्रश नहीं लगाती, कोई प्रॉपर वैसा नहीं कि मेरे को एक एक बालों को रोल करते करते पूरे बालों में मुझे लगाना नहीं है, सिर्फ आगे लगाऊँगी इधर की तरफ, और जब थोड़ी देर फिर उसके बाद मैं पॉलीथिन वगैरह कुछ पहन लेती हूँ ताकि थोड़ी हीट बनी रहे, और उसके बाद हटाती हूँ, फिर ड्राई हो जाती है 2-3 घंटे के अंदर ही, फिर क्लीन हो जाता है पूरा, मतलब कलर आ जाता है, फिर क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो जो जम जाती है ना जब ज़्यादा ही ड्राई हो जाती है, उसको बालों से निकालने में मुझे बहुत उलझन लगती है। तो अभी लगा लेती हूँ, लगभग 2-3 घंटे तो रहेगी, फिर मैं उतनी देर में खाना भी रेडी कर दूँगी। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में, और यहाँ पर लाइट थोड़ी अच्छी है इसीलिए मैं यहीं पर लगाने वाली हूँ। इधर साइड सब पूरा वाइट हो रहा है, ये आज थोड़ा ना देखो मुझसे ज़्यादा थोड़ा पतला सा हो गया है, अब ये बहेगी इसलिए इसको ड्राई करना ज़रूरी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई कवर करने के लिए उसको पॉलिथिन वगैरह या कोई कैप सा पहनना पड़ेगा, सोच रही हूँ पहले लगा लूँ,
हाँ तो मैं ऐसा करती हूँ, ग्लव्स पहन लेती हूँ। तो मेरे को पॉलिथिन मिली तो मैंने पॉलिथिन ही अभी लपेट ली है, और आवाज़ यहाँ पर बाथरूम के अंदर हो तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ गूंज रही होगी। अभी मैं लगा लेती हूँ, और मुझे लगता है कि जो इससे ना जगह जगह कभी यहाँ टपकेगी कभी यहाँ टपकेगी। ये चम्मच वम्मच से जनरली मैं लगाती थी, बट मुझे लगता है कि इस बार है ना मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। दोनों हाथ में मैंने एक पॉलिथिन पहन ली है, और ये एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या लपेट कर आ गई हूँ, बट ये है जुगाड़। हर नहीं मिलता है ग्लव्स तो मैं ऐसे ही करती हूँ, सभी लोग ऐसे ही करते होंगे। और ब्रश से लगाना पड़ेगा आज मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसे तरीके से लगाना चाह रही हूँ। अब वैसे थोड़े टाइम अगर नहीं लगा, इससे निकाल निकाल के मांग में करती हूँ, नहीं लगा तो फिर इसी से लपेट लपेट के मैं सर में लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पर काम करती हूँ मैं। अभी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कवर हो चुका है। अभी इतनी सारी थोड़ी सी और बची हुई है, देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसे ही मैं लगाती हूँ। प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही जुगाड़ वाला लगाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके आते हैं यहाँ से लेके ऐसे रोल करके, वो सब भी वीडियोस देखिए, पहले मैं करती थी, बट मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए बस मैं सामने सामने से करती हूँ, काम निपटाती हूँ। गर्म हो चुकी है मेरी, एकदम रेडी। अब इस पर मैं जनरली ये वाली जो पॉलिथिन होती थी उल्टी करके चढ़ा लेती थी, अगर मुझे थोड़ा सा और हीट चाहिए, अच्छा कलर चाहिए तो, नहीं तो अभी मैं ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड ही है, अगर मैंने इस पर चढ़ा दिया तो पिघल पिघल के यहाँ से बहने लग जाएगी, इसीलिए मैं इस पर पॉलिथिन नहीं चढ़ाऊँगी, ऐसे ही ड्राई होने दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी तो पतली हो गई है। जो लोग रेगुलर लगाते होंगे वो मुझे देख के क्या बोल रहे होंगे, कैसे लगाई इसने मेहंदी, लेकिन सब चलता है, कोई बात नहीं। अभी हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, और खाना भी मैंने रेडी कर दिया है। सदी को गए हैं माइक लेने के लिए, और अभी मतलब 2:15 तकरीबन बज रहा होगा, और लगभग मैं 1-1.5 घंटे और इसे रखूँगी, क्योंकि वो थोड़ा मेल्ट हो रही थी। अभी ऊपर ऊपर से तो ड्राई हुई है, देखो थोड़े थोड़ा फिर भी अभी गीली गीली लग रही है, अंदर से तो गीली होगी ही होगी 110%। और सैलड भी कर दिया आज मैंने, सैलड में देखो बहुत दिन बाद गाजर को कट किया है, और सलाद में ये खीरे तो हमारे यहाँ नॉर्मल पसंद है, स्वदी को भी माइन को भी, तो खीरे तो कटते ही कटते हैं, बट गाजर और टमाटर मैंने, अभी टमाटर मुझे काटना रह गया है, बस मैं टमाटर काटूंगी, और साथ के साथ सैलड भी रेडी हो गया, और बना है आज भिंडी की सब्जी, मैं दिखाती हूँ आपको, और दाल और चावल, स्वदी को बहुत पसंद है, और अरहर की दाल चावल खाने का मन हो रहा था, और सब्जी भी बना दी है, शाम को बनाऊंगी, लौकी वगैरह सोच रही है तो उसके साथ रोटी वोटी खा लेंगे, उससे हो जाएगा। और बाकी ये सारे काम मैं अभी स्वदी को खाना खिलाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, और अभी मैं खाने में लग गई थी, खाना करते 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 लगभग मुझे निकल गया 1 घंटा, तो इसलिए फिर मैंने कहा आईब्रो वगैरह सब मैं बाद में करूँगी शाम के वक्त, अभी पहले खाना निपटा लेते हैं। ये देखिए खाना एकदम रेडी हो गया है, बस भगवान जी का भोग लगने जा रहा है, भिंडी की सब्जी, दाल चावल और सैलेड। जय हो भगवान जी, खाना खा लीजिए। खाना हो चुका है, स्वदी को खाना खिलाते खिलाते 3:30 हो गया, अभी 3:30 हो गया तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब ये जो हेयर्स हैं इनको वॉश कर लिया जाएगा, और इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था कि आज ओवरलोड हो चुका है पेट, मतलब दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी भी इतने दिन बाद खाई, करीबन हो गया होगा 10-12 दिन ऊपर हो गया होगा, लेके काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे, इतना टेस्टी बना था कि पूरा पेट फुल हो गया है। तो अभी तो लग रहा है या तो बेड पर सो जाओ, लेकिन सो सकती नहीं हुई, ये सब लगा हुआ है। स्वदी अपना ड्राइंग करने में लगी हुई है, दिखा देते हैं आपको। साधु शादी स्वादी, हाँ ये गई मेरी स्वादी, इसकी तो नखरे देखो, इसका सबूत मुंह देखो, हनुमान माय हनुमान, व्हाट इज दिस, इट्स अ डर्टी माउथ, नो देयर ऑन द फोन, वेयर फोर ऑन द कैरेट, कैरेट वेयर इज कैरेट, show me There. अच्छा फोन की स्क्रीन पे जरा लगा हुआ, ओके मम्मा हटा देती है, let's remove it, let's done, सदी you want to go nine nine, yes, अभी भी नहा के जाना, नहाने के लिए all time ready, वो जो स्विमिंग पूल है उसे वाटर पूल कर लेती है, तो इस वजह से all time ready, are you scared,
Yeah, I can swim. You can swim, beta. Don't worry. Okay, do it. Do your drawing. ठीक है, तो मैं अभी आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है. वॉश करने के बाद ये है रिजल्ट. थोड़ा थोड़ा स्कैल्प है, कल एक बार थोड़ा हल्का सा वॉश कर लूंगी. ये देखो, कलर हो चुके हैं जितना जितना ब्राउन चाहिए. दिख रहे हो इधर साइड भी, देखो एकदम. यस आई नो, इतना ही चाहिए मुझे. मुझे एकदम वो ब्राउन कलर नहीं बनाने, वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन टच आता है, वो लगता है बिल्कुल कलर कलर ज्यादा हो जाता है. बट मेरा जितना भी, जैसे ये देखिए, ये सब था ना, ये सब ब्राउन ब्राउन हो गया. इधर साइड, इधर साइड चल जाएगा. एक हफ्ते, एक महीने बाद फिर से लगा लूंगी, क्या दिक्कत है. लेकिन हाँ, एक महीने से तो ज्यादा ही चल जाता है, 3 से 4 महीने तो मेरा चल ही जाता है. तो अभी हैंड वॉश हो चुका है, इतना रिफ्रेशिंग लग रहा है. बहुत मुश्किल होता है, 20 से 25 मिनट लग गया पूरे अच्छे तरीके से इसको रगड़ रगड़ के साफ करने में, लेकिन आउटपुट अच्छा है. अभी मुझे कुछ करना तो है नहीं, तो इसलिए मैं प्लकर लेकर आ गई हूँ. कि मेरे पास जो थ्रेड है वो आईब्रो बनाने वाला थ्रेड नहीं है, नॉर्मल जो थ्रेड आता है वो वाला ही थ्रेड है, तो जिससे सिलाई की जाती है, तो उसी से मैं अपने अपर लिप्स क्लीन कर लेती हूँ और पैसा सेव कर लेती हूँ. तो ऐसा मतलब मुझे वैसे नहीं चलाना आता जैसे प्रॉपर चलाते हैं, जैसे जिगजैग एक राउंड सा बना के उसको क्रिस क्रॉस करके, वो नहीं चला पाती हूँ. बट हाँ, मैं पैर में से एक दिखाती हूँ जुगाड़ कैसे करती हूँ. मैं वैसे वाला जुगाड़ करके अपना ये अपर लिप्स क्लीन कर लेती हूँ. थोड़ा बहुत फोरहेड भी हो जाता है, बट इसके लिए जैसे ये नीचे नीचे की ये सब दिख रहे हैं, ये लाइनिंग वगैरह के जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो मैं इससे निकाल देती हूँ. ये हो चुकी है आईब्रोज सेट मेरी, मतलब एकदम पूरा, ऐसा नहीं किया कि एकदम पूरी प्रॉपर शेप दी हो, बट ये है कि नीचे से और ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, तो प्रॉपर शेप आ जाती है. और जो भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो आईब्रो पेंसिल काम कर देती है, तो उससे शेप ले लेके एकदम पूरी ऐसी लगती है जैसे आईब्रो बनवा ली है. अभी चेहरा भी थोड़ा खिला खिला हो गया है एकदम. आज थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी थी मेरे भाई की शादी के बाद. अब मैंने बनवाई है, तो उसकी शादी थी जनवरी में, तो जनवरी के बनी हुई फरवरी में हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, वो एकदम पूरी भरी भरी हो गई थी. तो इसलिए करने में, ये देखो नीचे का पूरा क्लीन हो चुका है, यहाँ पर भी एकदम क्लीन हो चुका है. कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना. और अभी अपर लिप्स बचे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करके करूँगी. आज इतने टाइम बाद किया ना, तो बार बार छींक आ रही हैं और नाक से पानी, आँख से पानी, क्योंकि एक एक करके बाल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. लेकिन हो गया है तो फोटोज़ लेने में मज़ा आएगा. थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ ये धागा लेकर, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पैर में, पैर का जो अंगूठा होता है वहाँ पे लपेट के, जैसे पार्लर में हम लोग जाते हैं ना, तो वो दांत में लगा के और फिर ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, तो उससे जितने भी हेयर्स होते हैं वो निकल जाते हैं. ऐसे ही मैं मुँह में तो लगा नहीं सकती, हाथों को ट्विस्ट करके और थ्रेड को आराम से पुल करना होता है. तो वो वाला काम करने के लिए जो मैं मुँह में धागा लगाते हैं जो जनरली पार्लर पे देखा जाता है, वो मैं अंगूठे में ऐसे ऐसे करके रोल कर लेती हूँ, और उसके बाद में अपने दोनों हाथों से ऐसे ट्विस्ट कर करके रोल कर करके यहाँ के हेयर्स वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ. ये गया अंगूठा, इसमें मैं रोल कर ले रही हूँ. अच्छे से 4-5 रोल करने के बाद, देखो दिखाती हूँ मैं आपको अभी करके, और उसके बाद ये टाइट हो गया एकदम. ये देखो जहाँ तक जितना रोल लेना है उतना, और ये ट्विस्ट हो गया, ये देखो. ठीक है, अब इसके बाद में ऐसे ऐसे करके, जैसे ये जो ये अंगूठा होता है ना, इससे ऐसे ऐसे करके मैं करके, ये देखो ये निकल जाती है. यहाँ पे फंसाया और ऐसे खींच लिया, फिर ये फंसाया, फिर ऐसे करके खींच लिया, फिर ऐसे किया, ये खींच लिया. तो ये मेरे लिए बहुत ईजी है. वैसे तो ट्विस्ट करने के बाद भी बहुत लोग ऐसे ऐसे करके करते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके भी चलता है ये. ऐसे क्रिस क्रॉस कर लिए, गांठ लगा लिया, इधर के हेयर से तो ऐसे पुल कर दिया ऐसे, और इधर के हेयर इधर इधर के पकड़ के ऐसे पुल कर दिया ऐसे. तो ये वाला मुझे ढंग से चलाना नहीं आता. ये हो गए हैं क्लीन. अभी भी एकदम पूरा फेस जिस तरीके से मुझे चाहिए था वैसा हो चुका है, और इसका भी काम हो गया है. ये मेरे को बहुत काम आती है ये वाली पेचक ना, हमारे में इसको पेचक बोला जाता है, वैसे इसको रील बोलते हैं.
तो मेरे को अपनी वही आदत है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि पेचक मतलब क्या होता है। तो ये हो गया इसका काम, और अभी मेरा भी सारा जितना भी आईब्रो था, अपर लिप्स, ये सब अच्छे से बन गया है, हेयर भी अच्छे से कलर हो गए हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि करना पड़ ही जाता है, या तो कोई कलर कराए जाके या फिर अपना मेहंदी वगैरह लगा ले, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार अपना बालों का ध्यान रखना, नहीं तो डैंड्रफ वगैरह इतना है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में अगर नहीं वॉश किया, जैसे 3 दिन हो गया, मैं 3 दिन बाद वॉश करती हूँ, तो अपने आप रूसी रूसी सी ऐसे ऐसे इचिंग होने लग जाती है कभी यहाँ पे। अभी तो फिलहाल देखो स्कैल्प भी क्लियर है, वाइट वाइट छोटा छोटा सा डैंडर भी दिखने लग जाता है। तो ये है यहाँ पर पानी का, बालों का हाल, तो जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी हम रेडी होके एकदम अवतार बदल के जा रहे हैं नीचे, और मेरी छोटी भी रेडी है वॉटर लटका के एकदम। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, लेट्स गो, वेयर आर यू गोइंग? देखो, एक्चुअली मैंने सोचा मौसम अभी अच्छा हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा तंग भी कर रही थी, और टीवी और मोबाइल लगाना क्या का कोई पॉइंट नहीं है, रात में थोड़ी देर के लिए चला दूंगी। अभी सोचा कि मौसम अच्छा है, धूप भी निकली हुई है, तो रूफ टॉप पे चले जाते हैं। तो ये हल्का वाला ये स्वेटर मैंने काफ़ी टाइम से पहना भी नहीं था, तो ये डाल लिया है मैंने, टी शर्ट चेंज करी, इसको रेडी किया, और अब चल आ जा दिस वे, दिस वे, दिस वे, सॉरी प्रेस टू 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 प्रेस टू ये देखो, इतनी खुश पहले बोलती है पापा को लेके चलो, मतलब लेट्स गो पापा लेट्स गो, फिर उसके बाद मैंने कहा मैं ही चल रही हूँ, तो इतनी खुश इतनी खुश। आज के हम छत पर, धूप इतनी अच्छी हो रही है, हवा तो चल रही है, शाम का टाइम हो गया है, लेकिन यही चीज का मजा लेने के लिए हम लोग ऊपर आ गए हैं। हाँ करो करो मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करो, चलो वेरी गुड वेरी गुड। डैडी भी आ चुके हैं, डैडी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, डैडी का ऑफिस खत्म हो गया था, हमने कहा फैमिली टाइम निकाल लिया जाए यहाँ पे, इतनी खुश पापा के आने से। सॉरी केयरफुल भैया, केयरफुल। अभी हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है और टाइम भी हो गया 6:30, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ इसी फन के साथ। कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा, कल हम लोग जा रहे हैं चेरी ब्लॉसम देखने के लिए, बहुत ही सुंदर हो जाता है, तो कल का वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मैं आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस वन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।